और के वो हिस्से में नहीं आएंगे, इनमें आएगी मेहनत कर क्योंकि नेचुरल जो 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 दिल से जो एक्टिंग की जाती है ना नाजरीन, वो बड़ा असर रखती है। आप यकीन करें कि जब आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो वो अपने अंदर से जो इनर फीलिंग्स के साथ जब वो काम करता है ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो सोनम चौधरी को मैंने देखा है कि ये जब कॉमेडी करती हैं तो वो भी दिल से करती हैं, जब ये कोई ट्रेजिडी रोल करती हैं वो भी दिल से करती हैं। और अक्सर मैंने प्रोड्यूसरों को भी इनसे खुशी देखा है और डायरेक्टर्स को भी इनसे कुछ देखा है। और मेरी ये बुढ़ी गल कीड़ी लगती है, मतलब बुढ़ी गल ये है आपकी कि जो आपको ले के ऊपर आप लड़के जाती हैं, मतलब लौरिये दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो रे को रे बोलते हैं, एक वो होते हैं जो रे को रे बोलते हैं। मसलन एक लौरिया होता है, वो आपसे ऐसे बात करेगा जैसे ये करती है कि देखो जी मैं थानू बड़ा अच्छा मशवरा दे रहे हैं, अगर तुम मेरे मशवरे पर अमल करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। एक होते हैं लौरिए ये, एक होते हैं लौरिए इस तरह के, घर से चिरी बैठी चिरी नू रोरा मारिया चिरी फुर करके उठ गई। साजिद माजिद वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच, योर आईज इज रियली पॉइंट, थैंक यू सो मच अरोड़ा साहब, थैंक यू। इनकी आंखों की तारीफ तो एक हमारे इंग्लैंड से आए थे प्रोड्यूसर, उन्होंने इनकी आंखों की ऐसी तारीफ की कि वो आज तक मुझे याद है। क्या उन्होंने कहा था, आपकी आंखें झील से भी ज्यादा गहरी हैं, अच्छा समंदर से ज्यादा मधुर हैं। वो कौन सी? वो जो इंग्लैंड से आए थे, वो बिंगे से प्रोड्यूसर, क्या नाम है उनका, बड़े अच्छे वो इंग्लैंड में नाम में प्रोड्यूस करते हैं, अक्सर टीम में बुलवाते हैं वो, नाम मेरे जहन से निकल गया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने आपकी आंखों की बड़ी तारीफ की। अच्छा हाँ, मेरी आंखें प्यारी हैं? आपकी आंखें सच में बहुत प्यारी, आप खुद बहुत प्यारी हैं, आप आपके नैन नक्श देखें कितने प्यारे हैं, आपका नाक, आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपकी ठोड़ी, आपका सब कुछ जो है मुतनासिब सा है, बड़ा एक प्यारा सा है। अगर देखा जाए ना तो इनका फिल्मी फेस है, फिल्मी इंडियन फेस, सारे इंडियन फेस ही कहते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा ये नाम पैदा करेंगे। मेरी ये दुआ है कि इनको जो चढ़ता पंजाब की फिल्में हैं ना, उनमें काम मिले। साजिद माजिद तो नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं करांगी, मैं हूँ कि इन्होंने बस लगे हुए हैं कि काम करना, बल्कि सानू राणा जी सानू इत्थे फैसलाबाद भी चलो शुक्र है कि मैं इन्हां चा काम करनी है कि मैनूं बाहर जाने की लोड़ नहीं है। लेकिन मैं जो बाहर गई तो फिर मैं जाना है, तो फिर मैं दस के जाना कि मैं जा रही है लौटने। ए सोनम चौधरी की यहाँ भी 2 लाख रुपया पेमेंट है एक वीक की। ए मैंने बनवाना ही नहीं था, तेजी में लेके 2 लाख। नाजरीन मैं सही कह रहा हूँ? कहता है कि अच्छा मेरी दुआ है अल्लाह ताला सोनम चौधरी की सचमुच 2 लाख रुपया पेमेंट कर, एक वीक का 2 लाख ले सोनम चौधरी, अभी भी 1.5 लाख ले रही है, चलो 50,000 का फर्क है, वो कौन सा कुछ ज्यादा। अच्छा नाने मैंने दस के ड्रामे जिस दिन शौक सी ड्रामे था, ये तो वैसे ही मतलब ऐवी अचानक, मतलब मेरे जो दोस्त हैं राजा शहजाद साहब, मैं उनसे मिलने गिलने जाता था, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि पुलिस वाला नहीं है यार कोई, तो रोल एक उस पुलिस वाले का रोल है वो कर लो, तो मैंने वो किया तो वो बड़ा अच्छा हो गया, परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, तो वहाँ से मुझे भी शौक पड़ गया। फिर मैंने फिर दूसरे ड्रामे में शहर की लड़की थी, उसमें फिर एक रोल था, उसका बाप होता है, उसका एक दोस्त होता है, तो वो मुझे रोल मिला, तो मैंने बड़ी अच्छी लाइनें बोल दी। मैडम नरगिस के साथ मैंने 3 प्लेस किए हैं, वो भी शहजाद थिएटर में किए थे, तो उसमें मैं वो बदमाश बनी होती है, मैं उनका हवारी होता हूँ, पहला ड्रामा उनके साथ मेरा ये था। और उसके बाद दीदार ना मैडम दीदार ना मैडम दीदार के साथ 2 प्लेस किए थे, जो लास्ट वाला जो थिएटर में प्ले हुआ था ना डिमोलिश होने से पहले, वो दीदार के साथ था, वो तो मेरा भी था वैसे। हाँ आखिरी प्ले में दीदार था कि तभी तो हाँ, थिएटर में लास्ट वो बिल्लू साहब थे, उसके बिल्लू भट्ट साहब प्रोड्यूसर थे उसके, वो लास्ट वाला प्ले था, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो 3-4 दिन तक चला था फिर उसके बाद।
और सुनाए गाइस सारे कैसे ठीक है जान। मैं ना मेरी ना अनुब्रोड जरा शेयर करो ताकि मैं